हेलो फ्रेंड्स, विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स से एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं परसेंटेज के 6 क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि पार्ट सेकंड है। पार्ट वन में मैंने आपको बेसिक परसेंटेज के बारे में बता दिया था कि हाउ परसेंटेज कन्वर्ट इनटू रेशियो। देन वी स्टार्ट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू परसेंटेज, प्रतिशत। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हम पढ़ते हैं। इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडिड विद इट्स सेल्फ देन रिजल्ट बिकम 4956, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3 से जोड़ने पर प्राप्त संख्या हमारी 5956 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब फ्रेंड्स, मैं आपको रेशियो पहले ही बता चुका हूँ कि 16 2/3% जो हमारी रेशियो में कितनी बैठती है, ये होता है हमारा 1/6। और ये 6 जो होता है हमारा डिनोमिनेटर हर, जिसे बोलते हैं हर, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी कि जो हमारी ओरिजिनल संख्या है। और जो ये होता है यानी कि न्यूमरेटर, ये हमारा रिजल्ट को शो करता है। अब वो क्या कह रहा है, किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3 से जोड़ने पर, यानी कि ओरिजिनल और जो हमारी न्यू होगी, यानी कि ओरिजिनल संख्या हमारी कितनी है 6। अब वो कह रहा है कि 16 सही 2/3 उस संख्या का, यानी कि 6 का 16 सही 2/3% वो 1 होगा, तो उसमें जोड़ने पर यानी कि 7, ये हमारी न्यू वैल्यू हो चुकी है। जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो हमारी कितनी होती है 4956, यानी कि ओरिजिनल न्यू ऐड करके हमारी न्यू, तो यानी कि ये हमारी कितनी है 4956। और तो कंपेयर करेंगे तो ये 7 का कितना गुना है, तो 7 7 49 नहीं चलेगा, 0, 7 8 56। भाई हमारी न्यू वैल्यू जो है वो इसके इतने गुना में है, तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू भी क्या होगी, इतने ही गुना में होगी, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। तो 6 8 48, 6 7 42, तो यानी कि जो हमारी ओरिजिनल संख्या थी वो पहले कितनी थी, 4248, ये हमारा आंसर हो गया, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था। फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें बोला गया है किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या हमारी कितनी आती है 5670, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब 16 2/3% को रेशियो में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो रेशियो क्या बनेगा इसका, 1/15। 15 क्या है हमारे यहाँ पर, ओरिजिनल, जो ओरिजिनल नंबर होगा। और ये 1 जो है ये शो क्या करता है, रिजल्ट, कि भाई उसमें हमने ऐड किया है घटाया है। अब की बार क्या बोल रहा है वो, कि घटाने पर, यानी कि ओरिजिनल और न्यू, ओरिजिनल हमारा कितना है 15। अब वो बोल रहा है कि घटाने पर, यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि डिक्रीज़ की गई वैल्यू, तो डिक्रीज़ की गई, तो 15 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारी न्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। अब 14 जब वो कह रहा है कि हमें कितना प्राप्त होता है, भाई हमारे हिसाब से, रेशियो के हिसाब से आया 15 और 14, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 14 नहीं है, वो कितना है 5670, इतना है। तो जब कंपेयर करेंगे तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 5670 को हम 14 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 14 चौका 56, 0 4 4 5 0, ये कि इतने गुना है ये इसकी संख्या के। जब ये इतने गुना है तो ये भी कितने गुना होगी, ये भी ऑब्वियस सी बात है कि 4 5 4 0 5 गुना में ही होगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 15 5 75, 15 चौका 60, तो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो कितनी थी
6075। दोस्तों मैं रेशियो आपको ये पहले ही बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर आपसे डिस्कस कर दूँ। अब जैसे हमारा ये है 6/3%, इसको हम जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो इसको कितना होगा, 3×6=18 और 2=20, यानी कि 20/3%। अब जब 20% को जब हम उसमें कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड, 20×5=100, तो रेशियो कितना आया हमारा, 1/15। ओके दोस्तों, मैं पार्ट वन में आपको सारे रेशियो बता चुका हूँ जो जो आपको याद रखने हैं और प्रैक्टिस में लाने हैं। फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और देखते हैं, कोई भी हमारा रेक्टेंगुलर है यानी कि आयत, उसकी जो लेंथ है उसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ हमारा, 37 1/2%, और जो उसकी चौड़ाई में जो इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ चौड़ाई में जो डिक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ, 20%, लंबाई में जो इंक्रीमेंट हुआ वो हुआ 37 1/2। अब फ्रेंड्स, आपको वो पूछ रहा है कि जो इसका जो रेक्टेंगुल का जो एरिया होता है उसमें क्या उसका असर पड़ेगा, कि भाई जो हमारी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, ओके क्या असर पड़ेगा उसका। तो फ्रेंड्स देखते हैं, अब मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि 37 1/2% कैसे, 37 × 74 = 75, ये आ गया। अब इसको अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 2×100, 25×75 और 2×25=100, ये कितना हुआ हमारा, 3/8, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू हमारी 8, उसका जो इंक्रीमेंट हो रहा है 3। यानी अब लंबाई में जो पहले कितनी थी हमारी, 8 थी, इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई हमारी, 11, और अब वो बोल रहा है कि चौड़ाई 20% कम हो गई, यानी कि जो उसकी ब्रेथ थी 20% का जो हमारा रेशियो था 1/5, यानी कि 5, पहले 5 थी हमारी, ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, अब कितनी कम होगी, -1, तो कितनी हो गई, 4। अब जो रेक्टेंगुलर का एरिया होता है वो कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 8×5=40, पहले कितनी थी 40 और अब कितनी होगी, 44, कितना इंक्रीमेंट हुआ, 4 का। और जो हम परसेंटेज जो कैलकुलेट करते हैं वो ओरिजिनल नंबर पर कैलकुलेट करते हैं, ना कि न्यू पर, तो कितना हुआ, 4 इंक्रीमेंट हुआ, कितने पर हुआ, ओरिजिनल वैल्यू 40, तो कितना हुआ टोटल, 10%। ये हमारा आंसर आ गया कि इतने का उसमें इंक्रीमेंट हो चुका है, यानी कि अगर जो यहाँ प्लस आता है तो इंक्रीमेंट होता है, माइनस आता है तो कि इतना उसका एरिया घट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति ए वो यह एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना कर देता है तो परिणाम में परिवर्तन बताइए, परसेंटेज परिवर्तन बताइए। कि अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर 7/4 इन इंस्टेड ऑफ 3/4, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। अब दोस्तों जो भी इनके ये डिनोमिनेटर है यानी कि 5 और 4, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि हमें रेशियो में नहीं लेना, यहाँ पर हमें मतलब कि पूर्ण नंबर बनाना है कि जो कि हमारा डिवाइड हो जाए। तो हमने माना लेट कि भाई वो संख्या कौन सी थी, यानी कि नंबर कौन सा था, हमने मान लिया 20 था। अब जब इसमें किसी संख्या में को 3/5 के स्थान पर, अब इसको 20 को जब तुम 3/5 से मल्टीप्लाई कर करोगे तो कितना आएगा, 12, इस स्थान पर 7/4 से गुना कर दिया। अब 20 को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 7/4, तो कितना आ गया, 35। अब पहले हमारा कितना था, ओरिजिनल वैल्यू 12 थी,
लेकिन 7/4 गुण से गुना करने पर कितनी आ गई वो 35। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, परसेंटेज कितना होगा, चेंजमेंट कितना हुआ, तो इसको हम 3/2 यानी कि 23 जो है 7/4 से गुना करने पर उसका इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन परसेंटेज त्रुटि हम किस पर निकालेंगे, जो भी हमारा इंक्रीमेंट हुआ किस पर, ओरिजिनल वैल्यू पर इंटू 100। अब इसको करेंगे 4 या 12 25, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 191 2/3% आंसर आएगा कि इतने का उसमें चेंज हो गया। ऐसे सवालों में दोस्तों जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम ही ले लेते हैं, और जो एलसीएम लेके जो भी घटता है बढ़ता है वो ओरिजिनल वैल्यू पे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें बोल रहा है कि चीनी के दाम 16 से ही 2/3% बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, तथा परिवार की जो खपत है वो 20% कम हो गई, तो कुल परसेंटेज चेंज कितना हुआ। अब एक बात आप याद रखना, जो भी हमारा प्राइस होता है वो कंजम्पशन के जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि कंजम्पशन बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा, प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगी। अब 16 से ही 2/3 का रेशियो कितना होता है, 1/6। अब वो कह रहा क्या है कि इंक्रीज हो जाता है, तो 6 से कितना हो गया हमारा 7। अब परिवार की जो खपत है वो कितनी कम हो गई, 20%। 20% को जब हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1/5, यानी कि पहले 5 था अब घटकर कितना हो गया 4। तो क्या चेंज होगा परसेंटेज में, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई 6 5 30 7 4 28, यानी कि पहले 30 थी और अब 28। तो कितने का डिक्रीमेंट हुआ, -2, तो 2/30 भाई हम ओरिजिनल पे कैलकुलेट करेंगे जो भी हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी इनटू 100, तो कितना हो गया 20। तो कितने परसेंटेज का वो हुआ, 6 2/3% का हमारा डिक्रीमेंट हो गया जो टोटल खर्च हुआ हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि सिनेमा हॉल की जो टिकट की बिक्री है वो कितने इतने परसेंट 57 से ही 1/7 इंक्रीज हो जाती है, तथा तो मूल्य हमारा 16 से ही 2/3 बढ़ जाता है, तो कुल आमदनी में परिवर्तन परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा। भाई 57 से ही 1/7%, इसको रेशियो में हम कितना लिख सकते हैं, 4/7, इतना इंक्रीज हुआ, तो पहले 7 था अब इंक्रीज होकर कितना हो गया हमारा 11। और मूल्य जो उसका जो प्राइस था टिकट का वो भी कितना बढ़ जाता है, 16 2/3, 16 2/3 का हमारा परसेंटेज होता है वो रेशियो होता है 1/6, यानी कि पहले 6 था अब कितना हो गया 7। जो उनकी आमदनी थी यानी कि टिकटों की संख्या या नंबर ऑफ टिकट्स, और जो ये उनका प्राइस था टिकट का, तो 642, ये हो गया हमारा 77। कितना इंक्रीज हुआ भाई, 35 इंक्रीज हो गया, लेकिन किस पर इंक्रीज हुआ वो परसेंटेज हमें ज्ञात करनी है, तो ओरिजिनल वैल्यू पर, तो 42 × 100, 7 6 42, 7 5 35, 2 3 6, तो कितना हुआ 250/3, 3 8 24, कितना हुआ 3 3 9, तो ये हमारा आंसर आ गया जो कि कुल आमदनी में जो कि परिवर्तन हुआ, यानी कि इतने हमारी इंक्रीज हो गए, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था इंक्रीज, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा था कितना 35, किस पर 42 पर। तो दोस्तों परसेंटेज में केवल यही याद रखने की चीज़ है
कि जो हम परसेंटेज जो कैलकुलेट करते हैं वो ओरिजिनल नंबर पर करते हैं, न कि न्यू नंबर पर, जो कि हमारा रिजल्ट है जिसे हम रिजल्ट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आगे वीडियो फ्रेंड्स मैं डालता रहूँगा, आगे मैं इंस्टॉलमेंट भाई किस्त वगैरह की और वोटिंग पे आपको वीडियो बनाता रहूँगा। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।